हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ महत्वपूर्ण यूपी टेट और सी टेट से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आइए चलते हैं कुछ प्रश्नों की ओर, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि रात में जागने वाला जानवर हर किसी को, ऑप्शन दिए गए हैं, हरे रंग में देख सकता है, केवल काली और सफ़ेद चीज़ में देख सकता है, हर रंग में देख सकता है, या केवल लाल रंग में देख सकता है। तो इसका आपका आंसर होता है केवल काली और सफ़ेद ही चीज़ में देख सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है, सौंफ, गेहूं, काली मिर्च, साबुदाना? तो इसका आंसर होता है आपका साबुदाना। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी ऐसा है जो कैक्टस के कीटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, बया, कलचड़ी, फाकता, शकरखोरा? तो इसका आंसर है आपका फाकता। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है, चींटी, दीमक, मकड़ी या ततैया? तो आप सभी जानते हैं चींटी एक साथ दिखाई देती है, दीमक भी एक साथ रहती है, ततैया भी एक साथ छत्ता बनाकर रहती है, केवल एक मकड़ी ऐसा है जो ऐसा कीट है जो कॉलोनी में एक साथ नहीं रहता है। मानव के पेट में अमाशय रक्त की प्रकृति होती है, वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, उदासीन, अम्लीय, क्षारीय या उभयधर्मी? तो इसका आंसर होता है आपका अम्लीय। क्यों? क्योंकि अमाशय के अंदर पाए जाने वाला जो एसिड होता है वो HCl होता है, और HCl आपका क्या है, एसिड है, इसलिए इसकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। आगे क्वेश्चन बनता है आपका गोलकोंडा किसने, किला किसने बनवाया, चाणक्य राजवंश, काकतीय राजवंश, पल्लव राजवंश, चोल राजवंश? तो इसका आंसर आपका बनता है काकतीय राजवंश। उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है, पेट्रोल, पैराफीन, मोम, ग्रीस, कोयला? तो आप सब जानते हैं पेट्रोल, मोम, ग्रीस ये सब एक से हैं, लेकिन कोयला जो है वो बिल्कुल अन्यों से भिन्न है। निम्नलिखित में से क्या पेट्रोल से प्राप्त नहीं होता है? तो अभी हमने ऊपर का और नीचे का क्वेश्चन थोड़ा सेम सा लग रहा है, मोम, ग्रीस, कोयला और डीजल, केवल एक कोयला ही ऐसा है जो पेट्रोल से प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? तो किसको मिला था, अमृता देवी बिश्नोई, मेघा पाटकर, AK बनर्जी, बेनजी, सुंदरलाल बहुगुणा? तो इसका सटीक आंसर बैठता है सुंदरलाल बहुगुणा। माउंट एवरेस्ट एक भाग है, तो माउंट एवरेस्ट ये सबसे इस वीडियो में सबसे इजी क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर मैं कमेंट के माध्यम से आपसे लेना चाहती हूँ कि इसका आंसर क्या होता है। थैंक यू।